कई लोगों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 2.6 करोड़ की आबादी वाले देश में अधिकतर लोगों को कोविड-19 रोधी टीके नहीं लगे। उत्तर कोरिया में संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि करने के बाद देश में मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं संक्रमण का असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि बुखार से बीमार 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप का मरीज था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पता नहीं लगा जा सका कि अप्रैल के अंत में देश भर में यह कोरोना ओमिक्रॉन कैसे फैल गया। इससे 6 लोगों की मौत भी हो गई, वहीं इनमें से एक ओमिक्रॉन से ग्रसित था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुखार ने विस्फोटक रूप ले लिया है। अब तक 187,800 लोगों का क्वारंटाइन में इलाज किया जा रहा है। वहीं लगभग 350,000 लोगों में इस बुखार के लक्षण दिखाई दिए हैं, जिनमें 18,000 लोगों में इसके लक्षण मंगलवार को सामने आए। बताया गया है कि लगभग 162,200 का अब तक इलाज किया जा चुका है, लेकिन इनमें से यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कितने लोगों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। वितरण कार्यक्रम से मदद लेने का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। वहीं अब अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ टीकों को साझा करने की कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने गुरुवार को रॉयटर्स से कहा कि उत्तर कोरिया के साथ कोविड-19 टीके साझा करने की उसकी अब कोई योजना नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर कोरिया ने कोवैक्स वैश्विक वैक्सीन साझाकरण परियोजना से वैक्सीन वितरण से बार बार इनकार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।